नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं मुन्ना यादव। आप सभी को लेके आया हूं अपने चैनल एमएस क्लासेस में नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। जी हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस के आज हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में समझेंगे। अभी तक हम इसके पहले टेंस को पढ़ें, टेंस कितने पार्ट में बटा हुआ है वो पढ़ लिए, फिर उस टेंस में प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस कितने पार्ट में बटा हुआ है उसको पढ़ें, फिर प्रेजेंट इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस कितने पार्ट में बटा हुआ है उसको पढ़ें कि प्रेजेंट टेंस फोर काइंड्स के हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इस टेंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ चुके हैं, पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी इसके पहले भी कुछ वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ चुके हैं। तो अभी देखिए, हाँ तो अब हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने से पहले हमें ये जानना होगा कि डू का यूज़ हम कहाँ पे करें और डज का यूज़ कहाँ पे करें। क्यों? कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की नेगेटिव स्ट्रक्चर में डू और डज दोनों के दोनों मौजूद हैं, तो हमें तो ये जानना होगा कि डू कहाँ पे करना है, यूज़ डू का और डज का यूज़ कहाँ पे करना है। तो देखिए, डू का यूज़ हम करेंगे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ एंड प्लूरल नेम्स, मीन्स राम एंड श्याम। मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक नाम आ जाए तो वहां पे आपको डू यूज करना है। ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ डज यूज करना है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डू स्लैश डज प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग नहीं पढ़ाते हैं तो हम लोग का इंग्लिश होता है वी। हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? वी। और वी के साथ क्या लगता है? डू। तो हम लिख दें यहाँ पे वी डू। रूल यही कहता है सब्जेक्ट डू डज, यानी कि हमने डू सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद नॉट लिख देंगे, वी डू नॉट। हम लोग नहीं पढ़ाते, वी डू नॉट टीच। क्या लिखेंगे? वी डू नॉट टीच। हमारा पहला सेंटेंस बन चुका है, वी डू नॉट टीच। वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं। कुछ बच्चे हैं वैसे जो इधर उधर सड़क पे घूमते रहते हैं, तो उनको देख के छोटा सा बच्चा बोल रहा है अंकल अंकल वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होगा? दे। वे लोग का इंग्लिश क्या होगा? दे। और दे के साथ हमें क्या यूज़ करना है? डू या डज। तो दे के साथ हम यूज़ करते हैं डू। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ डू यूज़ करना है। तो दे डू, उसके बाद हम लिखेंगे नॉट, दे डू नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा? गो। फिर क्या होगा? टू। फिर क्या होगा? स्कूल। दे डू नॉट गो टू स्कूल। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस दो बनाए और एक दो एग्जांपल लेके आपको दिखाएंगे। और ये देखिए, ये हमारा तो अब हमारा नया सेंटेंस आ गया आप सभी के बीच। पहला सेंटेंस है, ये तीन नंबर सेंटेंस है, मेरी गाय दूध नहीं देती है, मेरी गाय दूध नहीं देती है। तो पहले हमें ये समझना है कि गाय कितनी है। सिंगुलर गाय है, कितनी गाय है? सिंगुलर गाय, एक ही गाय है। तो माई काउ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माई काउ। गाय एक है तो माई काउ, उसके साथ हम लगाते हैं डज। My cow does not give, G-I-V-E, give milk. My cow does not give milk. मेरी गाय दूध नहीं देती है। My cow does not give milk. दूसरा है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, मेरी गायें दूध नहीं देती हैं। यहाँ पे एक से अधिक गाय हो गई, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे my cows, C-O-W-S, my cows। जब ये प्लूरल हो गया तो यहाँ पे हमें लगाना है डू, डी ओ डू, एन ओ टी, नॉट। माई काउज डू नॉट गिव मिल्क। अब समझ में आ गया, ये समझें कि माई काउज डू नॉट गिव मिल्क, माई काउ डज नॉट गिव मिल्क। अगर गाय यहाँ पे सिंगुलर है तो हमने डज लगा दिया, और यहाँ पे गाय सिंगुलर है तो हमने डज लगा दिया, और यहाँ पे गाय एक से अधिक है, मोर देन वन, दैट्स वाई वी यूज हियर
डू नॉट, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं डू नॉट। तो आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझेंगे तो प्लीज़ आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस बताया है मैं नहीं समझा, मैं डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेट करूँगा और आपको बताऊँगा। तब तक के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर मिलेंगे आपके साथ बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बटन दबा दीजिए, बगल में घंटी टंटना दीजिए ताकि हम आपके पास जल्दी से लेके आ जाएं। तब तक बाय।